हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो इन ऑल तीन टाइप के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? मटेरियल यूसेज, यूसेज बोले तो क्या होता है? क्वांटिटी। देन प्राइस बोले तो क्या? रेट। एंड देन कॉस्ट। ओके, और हम लोगों को पहले से ही पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना? ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मटेरियल परचेज लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोगों को मटेरियल परचेस्ड इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट? लेट्स सी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड इज 3000 यूनिट्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, वैल्यू मीन्स अमाउंट, अमाउंट ऑफ मटेरियल परचेस्ड इज कितना बोल दिया उसने? 9000 रुपीज। सो अगर मैं तुम लोग को ये बोलूँ 9000 रुपीज में मैंने 3000 यूनिट्स परचेज किए हैं, सो 9000 डिवाइड बाय 3000 इज रुपीज 3 पर यूनिट। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज माय एक्चुअल रेट। दिस इज व्हाट? एक्चुअल रेट। क्यों? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, मतलब मैंने 3000 यूनिट्स कितने में परचेज किया? 9000 में। 9000 रुपीज में अगर 3000 यूनिट्स परचेज किया है, इट मींस एक यूनिट कितने का हुआ? 3 रुपीज। एंड दिस इज परचेस्ड, परचेस्ड का मतलब होता है एक्चुअल, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा अपना? एक्चुअल रेट। क्लियर? देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन टन, कितने टन के लिए वो बोल रहे हैं? फॉर वन टन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज हाउ मच? 25 यूनिट्स। एक टन ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? 25 यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल इज रुपीज 2 पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक बोला है 0, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 500, फिनिश्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड इज 80 पर टन। चलो फटाफट मेरे को फॉर्मूला बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या? बोलो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। बोलो, व्हाट इज माय ओपनिंग? ओपनिंग इज नील प्लस व्हाट इज माय परचेस? 3000 यूनिट्स माइनस व्हाट इज माय क्लोजिंग? 500 यूनिट्स। सो व्हाट इज माय कंजम्पशन? 2500। क्लियर? सो ये है मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितने यूनिट्स के लिए? 80 यूनिट्स, 80 टर्न्स के लिए। ओके, 80 टर्न्स ऑफ आउटपुट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम अवर ग्रुप 1 पेपर 8 नोट्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट बताओ, स्टैंडर्ड लिख देंगे, उसके अंदर क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, फिर एक्चुअल लिखेंगे, एक्चुअल के अंदर क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, स्टैंडर्ड विल बी फॉर 1 टन, स्टैंडर्ड विल बी फॉर 1 टन, और 1 टन के लिए कितना यूनिट्स लग रहा था रॉ मटेरियल? 25। उसका रेट कितना था? रुपीज 2 पर यूनिट, सो दिस कम्स टू 50। एक्चुअल में मैंने कितना टन बनाया बोलो फटाफट? 80 टन्स। उसके लिए क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने? 2500। रेट ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया रुपीज 3 पर यूनिट, सो दिस कम्स टू 7500। फटाफट मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो क्या करना पड़ेगा बोलो फटाफट? हम लोगों को बनाना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 80 टन्स, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, रेट इज गोइंग टू रिमेन सेम। चलो बोलो फटाफट, अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि टर्न्स एंड क्वांटिटी
एक टन बनाने के लिए कितना क्वांटिटी यूज होता है? 25. सो टेल मी, 80 टन्स बनाने के लिए कितना क्वांटिटी यूज होगा? सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1 एंड द आंसर इज 2000. सो ये आ जाएगा यहां पे 2000. सो 2000 इंटू 2 दैट गिव्स मी हाउ मच? 4000. ओके, नाउ वी कैन कंपेयर रिवाइज स्टैंडर्ड एंड वॉट एक्चुअल. फटाफट बताओ क्यों कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का आउटपुट 80 टर्न्स है, राइट? चल लेट्स कंटिन्यू, आगे देखते हैं. बोलो कौन कौन सा हम लोगों को यहां पे अभी वेरियंसेस कैलकुलेट करना है. फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. चलो फटाफट फॉर्मूला बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. वेरी गुड. व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 4000 माइनस व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? 7500. 4000 माइनस 7500 गिव्स यू 3500. नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या बोलो फटाफट? नेगेटिव का मतलब क्या? एडवर्स. देन आफ्टर मटेरियल कॉस्ट वेरियंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल रेट वेरियंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरियंस. चलो बोलो फटाफट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. रेट हो गया तो बाहर क्वांटिटी, क्वांटिटी विल बी व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी, राइट? देन व्हाट विल बी द आंसर? स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपीज माइनस एक्चुअल रेट है 3 रुपीज इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 2500. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इट विल बी 2500 नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? एडवर्स. ओके, देन लास्ट मटेरियल मटेरियल यूसेज वेरियंस. फटाफट बताओ यूज बोले तो क्या यूज करोगे? क्वांटिटी. तो फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट रेट? विच रेट? स्टैंडर्ड रेट. वेरी गुड. सो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 2500 इनटू स्टैंडर्ड रेट, एंड स्टैंडर्ड रेट इज रुपीज 2, दैट कम्स टू 1000 नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? एडवर्स. और बोलो फटाफट क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, उसमें दो पार्ट. कौन कौन सा? मटेरियल रेट वेरियंस एंड मटेरियल यूसेज वेरियंस. टेल मी मटेरियल रेट वेरियंस कितना है? 2500 एडवर्स. यूसेज कितना है? 1000 एडवर्स. ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, तो ये टोटल कितना आना चाहिए? 3500 एडवर्स. एंड इफ यू सी इट इज 3500. क्लियर? चलो फटाफट वीडियो स्टॉप कर लो और फटाफट ये सब खुद से बिना देखे सॉल्व करो. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, जरा ध्यान से देख लो एक बार. क्या एरर है मैं तुम लोग को बता देता हूं. यहां पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है और एक्चुअल दिया हुआ है. स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल ए इज 10, मटेरियल बी इज 20, मटेरियल सी इज 20. लेकिन एक्चुअल में मटेरियल ए बी और सी यहीं पे दे दिया है, बट उसका यूनिट्स कैसे आएगा? मटेरियल ए इज 5, मटेरियल बी इज 10 एंड मटेरियल सी इज 50. ओके, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ ले तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आउटपुट के बारे में बोला नहीं है. स्टैंडर्ड का आउटपुट कितना है, एक्चुअल का आउटपुट कितना है, दैट इज नॉट गिवन. सो वेन एवर आउटपुट इज नॉट गिवन, ऑलवेज अज्यूम दैट आउटपुट इज सेम. सो यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन लेंगे और ये अजम्पशन क्या होगा? एज आउटपुट इज नॉट गिवन, इट इज assumed to be same. चलो अब मुझे फटाफट बताओ, अगर आउटपुट नहीं दिया है
तो हम लोग ने आउटपुट सेम अज्यूम कर लिया। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाएंगे? बोलो, क्या हम लोग इस क्वेश्चन में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बनाएंगे? आंसर इज नो। जबकि आउटपुट दिया नहीं है, आउटपुट हम लोग सेम अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, इट विल बी माय लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे तुम लोगों को अगर याद रहेगा, हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ये सब टेबल्स यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने, राइट? हम लोग ने क्या किया था यहाँ पे, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग ने यहाँ पे स्टैंडर्ड किया था, देन एक्चुअल क्वेश्चन में दिया था रिवाइज स्टैंडर्ड हम लोग ने किया था, स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट किया था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, रेट वेरिएंस, यील्ड और मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया था। तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये अपना टेबल। ये जो हम लोग का टेबल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टेबल तुम लोगों को अच्छे से बनाने आ गया, देन फॉर्मूला तो हम लोगों को आता ही और कैलकुलेशन तो पूरा कैल्सियम पे हो ही जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर फोर एंड लेट्स ट्राई टू डू दैट। लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट मिक्स प्राइस एंड यूसेज वेरियंस। अब उसने क्वेश्चन में सबके सब वेरियंसेस पूछे नहीं है, जो कि टोटल पांच वेरियंसेस है, बट हम लोग पूरे पांच के पांच सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। हम लोग यहां पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड। आउटपुट दिया नहीं है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, एक्चुअल आउटपुट दिया नहीं है, तो अज्यूमिंग इट टू बी सेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। चलो, ए बी सी तीन टाइप के मटेरियल है, ए बी सी। ए जो है इट इज 10, बी का 20, सी का 20, रेट है 2, 3 एंड 6, एक्चुअल क्वांटिटी है 5, 10 एंड 15, रेट इज 3, 6 एंड 5। ओके, अगर हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो 10 2s are 20, 20 into 3 60, देन 6 2s are 12, दैट कम्स टू 120। और इसका अगर मैं टोटल कैलकुलेट कर लूँ तो इट इज 200। सिमिलरली 5 3s are 15, 10 6s are 60, 15 5s are 75। इसका अगर हम लोग टोटल कर ले तो 70 80 140 150 आ जाएगा। ओके, डन। अपना तीन फॉर्मूलास कौन कौन सा था बोलो फटाफट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला बोलो फटाफट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट? ए बी सी तीन टाइप के मटेरियल है। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए? इज 20, बी का 60, सी का 120, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ए का कितना है? 15, बी का 60, सी का 75। तो अगर मैं सॉल्व करूं, 20 माइनस 15 गिव्स यू 5, 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव मींस व्हाट? फेवरेबल। 60 माइनस 60 गिव्स यू 0, 120 माइनस 75 गिव्स यू 45, 45 पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। तो इन शॉर्ट वी कैन से इट इज 50 फेवरेबल, राइट? चलो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलो फटाफट फॉर्मूला बताओ, प्राइस बोले तो रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू विच क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। ए बी सी, स्टैंडर्ड रेट क्या है ए बी सी का? 2, 3, 6 माइनस 3, 6, 5 द एक्चुअल रेट।
into actual quantity is 5, 10 and 15. So 2 minus 3 is minus 1, minus 1 into 5, 5 will be negative, negative ka matlab kya ho jata hai? Adverse. 3 minus 6 is minus 3, minus 3 into 10 is 30, negative, wo bhi ho gaya adverse. 6 minus 5 is 1, 1 into 15 is 15, positive, positive ka matlab ho gaya favorable. Aur agar in sab ka main total le lu, to that total will be how much? 30 adverse, 5 adverse, 35 adverse, minus 15. So that comes to you 20 adverse. Okay? Chal. Material cost ho gaya, material price ho gaya. Now, material usage variance. What will be the formula? Usage matlab quantity. Very good. Standard quantity minus actual quantity into standard rate. A, B, C. What is standard quantity? 10, 20, 20. What is actual quantity? 5, 10 and 15. Into standard rate is 2, 3 and 6. Chalo, 10 minus 5 is 5, 5 2s are 10, 10 positive, positive ka matlab favorable. 20 minus 10 is 10, 10 into 3 is 30, 30 positive, positive means favorable. 20 minus 15 is 5, 5 into 6 is 30, 30 positive, positive ka matlab favorable. Total agar hum log kare iska, so it becomes 70 favorable. Okay, now you can verify your answers. Let's see. Mujhe batao, 70 favorable or 20 adverse. तो 70 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं, तो इट विल बिकम व्हाट? 50 फेवरेबल. क्लियर है ये सब? समझ में आ रहा है? ओके. तो इसके लिए हम लोगों को अब एक वर्किंग नोट और करना पड़ेगा. फटाफट बताओ अब कौन सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू डू व्हाट? स्टैंडर्ड. और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके साथ? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट. क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट. वेरी गुड. तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं इसका टोटल ले लूं, इट इज 50. इसका अगर हम लोग टोटल ले ले, 10, 20, इट इज 30. ओके. नाउ ए बी सी 10, 20 एंड 20, टोटल इज 50. सो यहां पे अगर मैं टोटल का बात करूं, तो व्हाट इज माय एक्चुअल इनपुट? एक्चुअल एक्चुअल इनपुट इज हाउ मच? एक्चुअल इनपुट इज 30, राइट? सो यही 30 हम लोग यहां पे लिख देंगे. एंड इट विल बी इन दिस रेशियो, दैट इज 1:2:2. तो कैसे करोगे बताओ फटाफट? अननोन अपॉन नोन. अननोन क्या है? 30 डिवाइडेड बाय करस्पोंडिंग फिगर इज 50 into 10 इज इक्वल टू कम्स टू 6. 20 is equal to 12 and again what? 12. So what is this? This is our standard mix for actual input. Okay? Chal. Ab hum log aa jate hain apne next do formulas mein. Kon kon sa formula hai bolo fatafat? Material mix variance and what? Material yield variance. Yield ka matlab kya hota hai? Output. Okay? Chalo. Mix ke formula mein kya bola tha hum log ne? Do you remember? Mix ke formula mein mix aage. So formula will be standard mix for actual input minus actual quantity into standard rate. Similarly, yahan pe kya tha formula? Batao fatafat. Yield mein mix piche. Very good. Standard quantity minus standard mix for actual input into standard rate. A, B, C. A, B and C. चलो, what is your standard mix for actual input? 6, 12 and 12. तो यहाँ पे 6, 12 and 12 minus actual quantity कितना है? बोलो फटाफट. 5, 10 and 15. 5, 10 and 15.
into standard rate. What is our standard rate? 2, 3 and 6. 2, 3 and 6. So 6 minus 5 is 1, 1 into 2, 2 will be positive, positive means favorable. 12 minus 10 is 2, 3 2s are 6, 6 is also positive, positive means favorable. 12 minus 15 is minus 3 into 6 is minus 18, 18 bole to kya ho jayega? Adverse. So my final answer will be 2 favorable, 6 be favorable. So dono favorable hai, dono plus hoga, so it will be 2 plus 6, total 8 favorable. Lekin 18 is adverse. So 18 में से 8 माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 10, और बड़े का साइन क्या है? माइनस. माइनस बोले तो क्या हो जाएगा? एडवर्स. ओके, नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 10, 20 एंड 10, 20 एंड 20, माइनस 6, 12 एंड 12, इनटू वंस अगेन स्टैंडर्ड रेट, दैट इज 2, 3 एंड 6. So what will be my answers? 10 minus 6 is 4, 4 into 2 is 8, 8 will be favorable. 12 minus 20 is 8, 8 into 3 is 24, 24 is also favorable. 20 minus 12 is 8, 8 into 6, 6 is 48, and 48 is also favorable. So what is the total favorable? It will become 8 plus 24 plus 48 gives me 80 favorable, right? और हम सब लोगों को पहले से ही पता है कि material mix variance plus material yield variance should be equal to what? Material usage variance. So let's see क्या वो answer आ रहा है. बोलो, what is your material mix variance? 10 adverse. Material yield variance is 80 favorable. 80 favorable and 10 adverse will give you how much? Will give you 70 favorable. Okay.